हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल गॉथिक मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है माय स्वीट ऑड्रीना। ये फिल्म वीसी एंड्रयूज के नॉवल पर बेस्ड है। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, वीसी एंड्रयूज की स्टोरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्टेड होते हैं, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज द फाइनेस्ट। ये कहानी काफी अलग है और इसकी फाइनल ट्विस्ट तो आपको हैरान करके रख देगी। तो कहानी शुरू होती है 1970s के आसपास। हम मिलते हैं 9 साल के ऑड्रीना से, जो अपने परिवार के साथ अपने महल जैसा घर व्हाइटफर्न में रहती है। उसके परिवार में है उसके पिता डेमियन, माँ लुसिएटा, मॉस एलिजाबेथ और उनकी बेटी वेरा। ऑड्रीना की जिंदगी बाकी लड़कियों से काफी अलग है। न जाने कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे बाकी सब से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वो आज तक कभी अकेले इस घर से बाहर नहीं गई, स्कूल नहीं गई, उसकी कोई दोस्त नहीं है। वो हमेशा इसी घर में कैद रहती है। इस घर में ना कोई कैलेंडर है, ना यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर आता है, एज इफ ये घर पूरी दुनिया से अलग है। असल में ऑड्रीना से पहले उनकी एक और बेटी थी, उसका भी नाम था ऑड्रीना। उसकी मौत 9 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में हो गई, इस वाले ऑड्रीना के जन्म से ठीक पहले। तो जब लुसिएटा दूसरी बार एक बेटी को जन्म दिया, उन्होंने इसका भी नाम रखा ऑड्रीना, ताकि वो बिल्कुल अपनी बहन की तरह बन पाए, स्वीट, प्योर एंड इनोसेंट। ऑड्रीना बड़ी होती गई और इन लोगों का ओवर प्रोटेक्टिवनेस बढ़ता गया। मगर ऑड्रीना तो बाहर जाना चाहती है, वेरा की तरह स्कूल जाना चाहती है, बाकी लड़कियों की तरह गांव में घूमना चाहती है, जिसका परमिशन उसे नहीं मिलता। उसके पिता सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी बहन, मतलब फर्स्ट ऑड्रीना की तरह बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग हर संडे उसे फर्स्ट ऑड्रीना के ग्रेव दिखाने ले जाते हैं। उसके कमरे में उसके चेयर पे बिठा के सेल्फ हिप्नोसिस करने को कहते हैं, जिससे फर्स्ट ऑड्रीना की ऑरा इसमें भी ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये लोग उसे जिसका साया बनाना चाहते हैं, उसके बारे में भी ज्यादा कुछ जानने की इजाजत इस वाले ऑड्रीना को नहीं है। और जब भी वो अपने बहन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। ऑड्रीना श्योर तो नहीं, मगर उसे इतना पता है कि इस घर के दीवारों के बीच कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उसकी माँ प्रेग्नेंट है, तो उसे लगता है इस बेबी के जन्म के बाद उसे थोड़ा छूट तो जरूर मिलेगा। ऑड्रीना जन्म से ही एलिजाबेथ और वेरा को देख रही है उनके साथ इस घर में रहते हुए। वेरा के पिता नहीं है, तो वो हमेशा डेमियन को ऑड्रीना से छीनने की, दूर रखने की कोशिश करती रहती है। हमेशा कहती है डेमियन फर्स्ट वाले ऑड्रीना को ज्यादा पसंद करते थे। इससे ऑड्रीना की और ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर पास में ही एक लड़का आर्डन रहता है, जिसे ऑड्रीना बचपन से ही देखती आ रही। वो कई बार ऑड्रीना से बात करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन ऑड्रीना को ना जाने की वो लड़कों से डर लगता है, शायद उसके एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन फाइनली एक दिन ऑड्रीना जंगल के अंदर जाती है उससे मिलने, और उसकी माँ उसे देख लेती है। लुसिएटा इतना ज्यादा घबरा जाती है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है। इस एक्सीडेंट में ना उनका बेबी बचता है, ना वो खुद सर्वाइव कर पाती है। देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, हम फिर से ऑड्रीना को देखते हैं। वो काफी बड़ी हो चुकी है, मगर उसके बाउंड्रीज बिल्कुल भी कम नहीं हुए। अभी भी डेमियन उसे आजाद घूमने का परमिशन नहीं देते। लेकिन ऑड्रीना को पियानो सीखना है। वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है, शहर में जो नया टीचर आया है मिस्टर लामार, उनके पास उसे ट्यूशन लेना है। पहले तो डेमियन डायरेक्टली मना कर देते हैं, मगर बाद में एलिजाबेथ के कहने पर डेमियन राजी हो जाते हैं। पहली बार ऑड्रीना को ऐसा फ्रीडम मिला था, वो तो बहुत खुश हो जाती है। पियानो क्लास स्टार्ट करती है और साथ में उसे आर्डन से मिलने का एक मौका भी मिलता है। वो लोग हर सैटरडे मिलने लगते हैं। इसी बीच हम वेरा को भी देखते हैं। वो भी बड़ी हो चुकी है, मगर उसकी नीयत बिल्कुल भी नहीं बदली। ऑड्रीना के साथ वो भी पियानो क्लास ज्वाइन करती है, क्योंकि उसे वो सब कुछ चाहिए जो ऑड्रीना के पास है। लेकिन उसे पियानो प्लेइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी नजर थी उस टीचर पर। एक दिन वो नोटिस करती है ऑड्रीना चोरी छुपे कहीं जा रही है। वो उसे फॉलो करती है और पहुंच जाती है जहां ऑड्रीना और आर्डन एक साथ कुछ वक्त बिता रहे थे। क्लियरली वो उन्हें डिस्टर्ब करने गई थी, मगर साथ ही साथ उसने सनबैथिंग के बहाने ऑड्रीना के कपड़े छुपा दिए और डेमियन को भी इन्फॉर्म कर दिया। अपने बेटे को इतने कम कपड़ों में आर्डन के साथ देखकर डेमियन का दिमाग हिल गया। वो ऑड्रीना को खींचकर जंगल के उस हिस्से में ले गए जहां उन्हें फर्स्ट ऑड्रीना की लाश मिली थी।
इस वक्त ऑड्रिना को पता चलता है उसके बहन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, कुछ लड़कों ने इसी जंगल में उसका रेप किया था, बाद में उसे मारकर यहाँ फेंक गए। डेमियन अपने दूसरे बेटी के साथ ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए वो उसे सबसे दूर रखते हैं। ऑड्रिना अपने पिता के सेंटिमेंट को समझती है, मगर ऐसे घर में कैद रहने से वो तो वैसे ही मर जाएगी। फिर से उसकी मौसी एल्सबेथ डेमियन को समझाती है कि ज्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं। ऑड्रिना बड़ी हो चुकी है और समझदार भी, इससे काम बनता है। ऑड्रिना पर प्रेशर थोड़ा सा कम होने लगता है। वह अभी आर्डन से रेगुलरली मिलने लगी थी। आर्डन एक दिन उसे प्रपोज करता है और उन दोनों में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। लेकिन ऑड्रिना के कुछ लिमिटेशन है, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। उसे इंटीमेसी से डर लगता है, इवन किससे भी। उसे आर्डन पर भरोसा है, प्यार करती है वो उससे, मगर वहीं आर्डन जब उसे किस करने जाता है तो वो खुद को दूर कर लेती है। लेकिन आर्डन का प्यार भी सच्चा है, ऑड्रिना जैसी भी हो वो उसके साथ रहने का वादा करता है। एक दिन ऑड्रिना जब पियानो क्लास अटेंड करने जाती है, उसे मिस्टर लामर और वेरा इंटीमेट हालत में दिखती है। वेरा तो जैसे उसे दिखाने के लिए ही ये सब कर रही थी। ऑड्रिना को बहुत खराब लगता है, गुस्सा आता है खुद पर, वो क्यों वेरा की तरह नॉर्मल नहीं है। वो आर्डन के साथ मिलने जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, खुद से। उसे खुद को नॉर्मलाइज करना ही होगा एट एनी कॉस्ट, मगर वो कर नहीं पाती। जैसे ही वो आर्डन के पास जाती है, उसे फर्स्ट ऑड्रिना के विशेष आने लगते हैं, जिससे उसे दोहरे पड़ते हैं। फाइनली वो आर्डन को ये कहकर निकल जाती है कि उसे किसी नॉर्मल लड़की को डेट करना चाहिए, उसके तरह किसी फ्रीक को नहीं। इस हादसे से ऑड्रिना वैसे ही काफी डिस्टर्ब्ड थी। ऊपर से उस रात वेरा उसे बहुत टॉन्ट करती है, उसके अबनॉर्मलिटीज को लेकर उसे पागल बुलाती है। इस बार डेमियन ये सब देख लेते हैं। वो सबके सामने वेरा को घर से निकल जाने की बात कहते हैं, जिसके जवाब में वेरा ये कहती है कि अगर इस घर में कोई सबसे ज्यादा झूठा है तो वो आप हो, और इस इंसल्ट का बदला मैं जरूर लूंगी। अगले दिन ही वो मिस्टर लेमार के साथ न्यूयॉर्क भाग जाती है। एल्सबेथ तो दुखी होते हैं, मगर डेमियन उल्टा खुश होते हैं। वेरा जैसी लड़की के साथ तो यही एक्सपेक्टेड है। एल्सबेथ उनके रिमार्क से नाराज हो जाती है और उन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते ऑड्रिना को और एक राज पता चलता है। उसे पता चलता है वेरा उससे इतनी जलती क्यों थी। वो इसलिए क्योंकि वेरा उसकी हाफ सिस्टर थी, एल्सबेथ और डेमियन की बेटी। भले ही उनका अफेयर अभी भी चल रहा है, मगर डेमियन ने कभी भी वेरा को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वेरा को हमेशा से एक्सेप्टेंस ही चाहिए था, मगर उसे पाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया, उसे तो एल्सबेथ तक मान नहीं पाती। वो खुद भी अपने बेटी को इसके लिए पसंद नहीं करती। अभी जब वो चली गई है तो उसका प्यार भी ऑड्रिना को ही मिलने लगता है, मगर शायद ऑड्रिना को वो प्यार ज्यादा दिनों तक सहन नहीं होता। इसके कुछ दिन बाद ही एक रात सीढ़ियों से नीचे गिरकर एल्सबेथ की मौत हो जाती है। सुबह उनकी लाश ऑड्रिना को मिलती है। ऑड्रिना और ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी, साथ में डेमियन भी। वो तो एक मिनट तक अकेले नहीं रह पाते, तो ऑड्रिना के ऊपर उनका रोक टोक और ज्यादा बढ़ गया। वो उसके सिक्योरिटी को लेकर ऑब्सेस्ड होते गए, जो ऑड्रिना और सहन नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन वो घर से भागकर आर्डन के पास जाकर खुद से उससे शादी करने की बात करती है। उसे इस जेल से आजादी चाहिए। आर्डन जो उसे सच्चे दिल से चाहता था, वो और देर नहीं करता। उसी दिन वो दोनों शादी करते हैं और एक साथ डेमियन से मिलने जाते हैं। उन्हें लगा था डेमियन पहले की तरह गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे उन पर, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो उन दोनों को बहुत ही प्यार से अपने घर में वेलकम करते हैं, अपने दामाद को गले लगाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पता था आर्डन जॉबलेस है, तो वो उसे इस महल को रेनोवेट करने का जॉब ऑफर करते हैं, साथ में इस घर में रहने का ऑफर भी। असल में वो ऑड्रिना से बहुत प्यार करती है, उसे खुद से दूर करना नहीं चाहती। वैसे भी ये घर पैसा सब तो उसका ही होने वाला है एक दिन, तो फिर अब जब वो आर्डन के साथ खुश है तो उन्हें क्यों प्रॉब्लम होगी। पहले उन्हें लगा था आर्डन लड़का गलत है, मगर अभी वो उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। अपेरेंटली सब कुछ ठीक ही था, मगर ऑड्रिना की खुद की प्रॉब्लम, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसे पागल बना रही थी। जब भी आर्डन उसके पास जाने की कोशिश करता, ऑड्रिना को अपने बहन दिखती थी, उसे पैनिक अटैक आ जाता था। ऐसे में आर्डन एक अच्छे पति, अच्छे दोस्त की तरह उसे संभालता था। वो ऑड्रिना को किसी भी बात पर फोर्स नहीं करता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। ऑड्रिना घर संभालने लगती है और आर्डन इस घर के नए डिजाइन तैयार करने लगता है। इसी बीच एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देती है वेरा। लमार उसे छोड़कर चला गया, तो उसे तो लौटना ही था।
डेमियन तो उसे देखकर बहुत गुस्सा करते हैं, मगर ऑड्रीना उसे घर में रखने की जिद करती है। लेकिन शायद उसका यही डिसीजन उस पर भारी पड़ने वाला था। वेरा ना ग्रेटफुल थी ना वो बदली थी, वो जैसी थी वैसी ही है, सेल्फिश, जेलस और सिनिकल। वह भी आर्डन पर अपनी नजर बनाती है, उसके ऑड्रीना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है, इवन इसके लिए इंटेंशनली अपना पैर भी तोड़ डालती है। मगर इतना कुछ करने के बाद भी जब आर्डन उसे भाव नहीं देता तो वो उसे सीड्यूस करने लगती है। उसे जैसे तैसे उसका टेंशन पाना ही था। बचपन में जैसे वो डोमेन को पाने के लिए करती थी, सेम पागलपन वो फिर से करने लगती है। और उसका यह प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है जब ऑड्रीना उन दोनों को एक साथ देख लेती है। वो आर्डन को गलत समझने लगती है, उसे लगता है आर्डन उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके प्रति सिंपथाइज करता है। उसे जानना था आर्डन की ऑड्रीना के सारे एबनॉर्मलिटीज को जानते हुए भी उससे शादी की, क्यों वो उसे इतना चाहता है। तब आर्डन कहता है इसके पीछे एक ऐसा राज है जिसे मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, मना है। मगर ऑड्रीना भी जिद पर आ चुकी थी। अगर आज आर्डन ने कोई पक्का रीजन नहीं दे पाया तो वो इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू नहीं करेगी। वो ये मान लेगी कि ये उसका प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी है। ऑड्रीना इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि वो सुसाइड करने पर उतर जाती है। आर्डन भागता है डेमियन के पास, कहता है ऑड्रीना को सारा सच बताना ही होगा, अभी का अभी। एक ऐसा सच जो ऑड्रीना के बारे में है, जिस परिवार के अलावा सिर्फ और सिर्फ आर्डन को पता है, मगर खुद ऑड्रीना को ही नहीं पता। डेमियन कहना स्टार्ट करते हैं और इस कहानी के असली राज से पर्दा उठता है। हमें पता चलता है सालों पहले फर्स्ट ऑड्रीना के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। असल में जब जंगल में उसका रेप हो रहा था तो आर्डन ने उसे देखा था। वो उन गुंडों को रोकने भी गया, मगर वो तीन लोग थे, काफी हट्टे कट्टे, और आर्डन सिर्फ 11 साल का बच्चा था। वो कुछ नहीं कर पाया। उस दिन ऑड्रीना की मौत नहीं हुई, वो घर वापस आ गई। उसके हालत देखकर उसके माँ को सब समझ आ गया, मगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। इससे सबको सब कुछ पता चल जाता, उनका रेपुटेशन बर्बाद हो जाता। तो उन लोगों ने घर में ही ऑड्रीना की ट्रीटमेंट शुरू की। उन जानवरों ने उस बच्ची की हालत खराब कर दिया था, नोच नोच कर खाए थे उसे। उसके फिजिकल वॉन्ड्स तो फिर भी समय के साथ साथ भर गए, मगर उस छोटी सी बच्ची ने 9 साल की उम्र में जो सहा, उसका गहरा असर उसके दिमाग पर पड़ा। वो उस हादसे को, उस दर्द को भुला ही नहीं पा रही थी। उसने बात करना बंद कर दिया और बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करने लगी। डेमियन और सहन नहीं कर पाया, उसने अपने तरीके से अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की। उन्होंने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी इस्तेमाल किया, जिससे उस दिन की सारी मेमोरीज उसके दिमाग से डिलीट हो जाए। जो धुंधली सी यादें तब भी रह गई थी, उसे भुलाने के लिए डेमियन हर दिन उसके कान के पास ये कहने लगे कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसका नहीं, उसके बहन का अतीत था जो मर चुकी है। गांव में ये बात फैला दी गई कि वो ऑड्रीना मर चुकी है, उसके एक फॉल्स ग्रेव तक बनाई गई। मगर उस थेरेपी का एक साइड इफेक्ट ऑड्रीना पर पड़ा, उसका दिमाग कमजोर होता गया, उसके सारे के सारे चाइल्डहुड मेमोरीज डिलीट हो गए। तो डेमियन ने इस ऑड्रीना को घर में कैद कर लिया, उसे हिप्नोटाइज करके पुरानी बातें याद दिलाने लगे। उनका ये तरीका पार्शियली काम कर गया। फर्स्ट ऑड्रीना खुद को भूल गई कम्प्लीटली, अपने अतीत को अपने मरे हुए बहन की रियलिटी मानने लगी और खुद एक नई ऑड्रीना बन गई। मतलब इतने सालों से वो एक झूठ को जानती थी, इन रियलिटी उसकी कोई बहन नहीं थी, वो खुद ही एक लौती ऑड्रीना है जिसका अतीत डिलीट कर दिया गया है। इसीलिए डेमियन ने पहले आर्डन को भी दूर रखना चाहा उससे, क्योंकि उसे इस डार्क सीक्रेट के बारे में पता था। मगर वो बचपन से ही ऑड्रीना को पसंद करता था। उस हादसे से तो वो उसे बचा नहीं पाया, मगर उसके बाद से हर वक्त उसके साथ रहने लगा, उसका ख्याल रखा। ऑड्रीना के लिए ये सच कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था। वो समझ चुकी थी क्यों उसे इंटिमेसी से डर लगता है, मगर अब जब उसे अपना असली डर पता चल चुका है तो उस पर काबू पाना भी आसान हो जाता है उसके लिए। फाइनली वो आर्डन के साथ एक नॉर्मल फैमिली भी स्टार्ट कर पाती है। मगर फिर भी उसकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। एक रात कोई उसे सीरियो से धक्का देकर नीचे फेंक देता है, ऑड्रीना कोमा में चली जाती है। फिर भी आर्डन उसका हाथ नहीं छोड़ता, दिन रात एक करके उसकी देखभाल करता रहता है। ऑड्रीना के प्रति उसके प्यार को देखकर वेरा सहन नहीं कर पा रही थी। वो उसके चाय में सिडेटिव्स मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और ऑड्रीना की लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देती है। ऑड्रीना सफोकेट करने लगती है। वेरा को पता है वो बस कुछ ही मिनट के अंदर मरने वाली है, तो वो उसके सामने ही अपने जुर्म कबूल कर लेती है।
कहती है उसने ही अपनी माँ को मारा है, क्योंकि वो अपनी बेटी से ज्यादा ऑड्रीना को सपोर्ट करती थी, ठीक जैसे उसने दो दिन पहले ऑड्रीना को पुश किया था। Because she hates her, she always did। उसके बातों को सुनकर ऑड्रीना को शॉक लगता है, जिससे उसकी मेमोरी ब्लॉकेज खुल जाती है। उसे याद आ जाता है उस दिन क्या हुआ था। हम देखते हैं उस दिन ऑड्रीना का जन्मदिन था। वेरा उसे एक सरप्राइज देने के बहाने जंगल में जाने को कहा, जहां उसने ऑलरेडी कुछ लड़कों को कहकर उसके ऊपर हमला करने का प्लान बनाकर रखा था। उस छोटी से उम्र में भी वो इक्वली सिनिकल थी। ऑड्रीना इस बात को समझ पाई थी, मगर वो भूल गई। आज जब उसे सब कुछ याद आ जाता है तो वो सबके सामने वेरा पर सवाल उठाती है, मगर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वेरा को सजा भगवान देते हैं। ऑड्रीना को जिंदा देख वो तो घबरा जाती है और हड़बड़ी में सीढ़ियों से नीचे भागते वक्त उसकी मौत हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने माँ का खून किया था और ठीक जैसे उसने ऑड्रीना को मारना चाहा। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सच में ही एक एक्सीडेंट था, कोई खून नहीं। एट लास्ट एट द एंडिंग सीन हम देखते हैं ऑड्रीना सारे सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है और एक नई तरीके से नई जिंदगी स्टार्ट करती है, किसी सीक्रेट के बिना, किसी दुश्मन के बिना। द एंड। कैसे आपको ये कहानी कैसे लगी? मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इनफैक्ट मुझे तो वीसी एंड्रयूज के सारे कहानियां ही बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। अगर आपको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी उनकी और एक नॉवल बेस्ड मूवी फ्लावर्स इन द एटिक सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको इस लेफ्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। वो भी काफी ट्विस्टेड है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।